हेलो स्टूडेंट्स, आज असी नेक्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं 9.2। और इस दे विच सब तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम। और इस दे विच असी की करना है, सम करना है सिंपली इन टर्म्स का। ठीक है, तो देखो इस ते साडे कोल की है, दो टर्म्स गिवन है, ये दोनों लाइक टर्म्स है। ठीक है, सो इन दोनों का सम करना है। सो -3x + 5x दोवां नू ऐड कर दो। ऐड करके की आएगा, देखो एक्स जो है सेम लिटरल यूज़ कर रहे हैं असी, तो एक्स दोनों विचों कॉमन आ जाएगा। इनू लिख सकते हैं -3 + 5, एक्स दोनों विचों कॉमन आएगा। सो माइनस से 3 है, प्लस से 5 है, तो की आएगा प्लस से 2 आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज दोनों डिफरेंट साइन है तो माइनस करेंगे तो 2 आएंगे प्लस से, इंटू एक्स सेम एस। ओके, सो नेक्स्ट देखो सिक्स पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। इतने भी दोनों लाइक टर्म्स गिवन है, तो सिंपली असी इन्हों ऐड कर देना है। सो -2pq² सो देखो दोनों ऐड करेंगे तो ये नैगेटिव साइन है, नैगेटिव पॉजिटिव क्यों होएगा, नैगेटिव, प्लस माइनस माइनस हो जाती है। 4pq² प्लस माइनस माइनस हो जाएगी 2pq² हम देखो pq² सेम लिटरल है तो लिटरल कॉमन आ जाएगा और बाकी इतने की रहेगा 4, ये रहेगा -2 एंड जो लिटरल है वो सेम आएगा pq². सो 4 - 2 मतलब 2 इंटू pq², क्लियर। सो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है ऐड द फॉलोविंग, और इस दे विच की है 3 टर्म्स गिवन है। सो सेम मेथड नाल पहले 3 टर्म्स नू ऐड कर देना है। 3xy + -5xy + 7xy सो इतने प्लस माइनस जो है वो माइनस आ जाएगा। 3xy + -5 हो जाएगा 5xy + 7xy। सो देखो सारिया लाइक टर्म्स है, xy सारे विचों कॉमन आ जाएगा, तो इनू असी की लिख सकते हैं 3 - 5 + 7 इंटू एक्स वाई जो है वह सारे विचों कॉमन आ जाएगा। तो इनू असी की लिख सकते हैं, देखो 3 और 7 दोनों प्लस से है, सो प्लस से साढ़े को किन्ने आएंगे 10 -5 इंटू एक्स वाई, और हम 10 विचों 5 माइनस किते 5, सो 5xy। ओके, सो नैक्सट सिक्स्थ क्वेश्चन इज़, पहले असी ऐड करांगे सारिया टर्म्स नू, x² y² + -2x² y² + 3x² y² + -4x² y² ठीक है। सो प्लस माइनस का साइन देखो की आएगा, x² y² + -, हो जाएगा 2x² y², ये सेम रहेगा साइन, एंड नेक्स्ट प्लस माइनस अगेन माइनस हो जाएगा 4x² y² देखो ये सारिया टर्म्स साढ़े को लाइक टर्म्स है, सो ये सारिया टर्म्स जो है और फिर x² y² इन चो कॉमन आ जाएगा, और इसका कोफिशियंट कुछ नहीं है, दिस मीन्स इतने की होएगा 1 - 2 + 3 - 4 इंटू x² y² और देखो हर अगर हम असी इन्हों कैलकुलेट करेंगे तो की आएगा, प्लस दे 1 है एंड प्लस दे 3 है, सो प्लस दे आ जाएंगे 4 इंटू -2 है एंड -4 है, सो ऐड करेंगे -6 आ जाएंगे x² y² सो दिस इज इक्वल्स टू 4 - 6 की आएगा -2 इंटू x² y² सो नेक्स्ट है साढ़े को थर्ड क्वेश्चन ऐड द फॉलोविंग। फर्स्ट पार्ट है 2a - 3b - 5b और दैन इन्हों ऐड करेंगे 2a + -3b + 5b सो पहले साइन चेक करो, 2a + -3b + 5b सो देखो इन्हों दे विचों लाइक टर्म्स की है, जो b सेम जो है लिटरल यूज़ हो रहा है, सो ये दोनों लाइक टर्म्स है, और
ए डिफरेंट टर्म है, सो टू ए जो डिफरेंट टर्म है वो एज इट इज़ आ जाएगी। जो ये दोनों लाइक टर्म्स है उन्हें ले असी प्लस माइनस जो है करना है। सो माइनस से थ्री है और प्लस जो है फाइव है, सो इन्हें सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, प्लस से टू आ जाएंगे। सो दिस मीन्स प्लस टू एंड बी जो है नाल एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी असी लाइक टर्म्स नू प्लस करना है या माइनस करना है तो असी सिर्फ उन्होंने कोफिशेंट नू प्लस माइनस करना है, जो लिटरल है वो सेम रहेगा नाल। ओके, सो नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, सिक्स ए बी माइनस फाइव बी ए माइनस थ्री ए स्केयर। अगर असी इन्हों ऐड करेंगे तो सिक्स ए बी प्लस माइनस फाइव ए बी बी ए प्लस माइनस थ्री ए स्केयर। सो पहले असं इन्हों के साइन देखते हैं, सिक्स ए बी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और फाइव इंटू जो ए बी या बी ए है दोनों का मतलब सेम है तो असं इस ए बी लिख सकते हैं, अगेन प्लस माइनस माइनस थ्री ए स्केयर। सो देखो ये दोनों लाइक टर्म्स है और ये डिफरेंट टर्म है, जो लाइक टर्म्स है इन्हों असी की लिख सकते हैं, ए बी कॉमन आ जाएगा सिक्स माइनस फाइव। ठीक है, सो माइनस थ्री ए ए डिफरेंट टर्म है सेम रहेगी। सो सिक्स माइनस फाइव वन, सो वन असी कोफिशेंट नाल नहीं लिखते होंगे, सो वन नू अगर मल्टीप्लाई ए बी नाल करेंगे तो ए बी रह जाएगा, इसलिए असी वन नाल नहीं लिखते। सो माइनस थ्री ए स्केयर, ठीक है, ए आंसर आ जाएगा। उस तो बाद नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, एड द फॉलोविंग एक्सप्रैशन यूजिंग बोथ हॉरीजेंटल मैथड एंड कॉलम मैथड। तो सब तो पहला असं हॉरीजेंटल मैथड नाल सॉल्व करते हैं, जो असी हुण तक ऐड कर रहे हैं ये साडा हॉरीजेंटल मैथड ही है। सो असी टर्म्स नू ऐड करना है, फर्स्ट टर्म ए गिवन है एंड प्लस सैकेंड टर्म ए गिवन है और इस हॉरीजेंटल मैथड नाल ऐड करेंगे तो की आएगा, फोर ए माइनस थ्री बी प्लस सी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा टू ए, सो प्लस प्लस ही है दोनों सेम साइन रहेंगे अगर अगे प्लस है तो। ओके, उस तो बाद नेक्स्ट देखो हूँ लाइक टर्म्स, ए वाली जो टर्म्स है फोर ए माइनस टू ए इन्हों असी इकट्ठा लिखा, उस तो बाद बी वाली ही टर्म्स है माइनस थ्री बी प्लस बी इन्हों इकट्ठा लिखा, फिर लाइक टर्म्स है सी वाली, सो प्लस सी एंड माइनस सैवन सी इन्हों असी इकट्ठा लिखा। उस तो बाद इन्हों ऐड और सबट्रैक्ट कर दो अकॉर्डिंग टू द साइन। देखो फोर प्लस है टू माइनस है तो फोर चो टू माइनस करेंगे टू आएगा और लिटल नाल जो यूज़ हो रहा है वो ए, एंड माइनस का थ्री है और प्लस वन है सो माइनस का कितना रहेगा टू, एंड लिटल ये नाल यूज़ हो रहा है वो बी है, एंड अगेन सी नाल कोफिशेंट नहीं है, दिस मीन्स वन है, सो वन माइनस सैवन, सो वन माइनस सैवन की आएगा माइनस सिक्स, सो माइनस सिक्स इंटू लिटल नाल यूज़ कर रहे हैं सी। ठीक है, सो ए आंसर आएगा। उस तो बाद नेक्स्ट है अगर असी कॉलम मैथड नाल असी इस सॉल्व करांगे तो किवें करना है, देखो फोर ए और माइनस थ्री बी और दैन प्लस सी। ठीक है, पहला असी फर्स्ट टर्म दियाँ जो भी अपने को फर्स्ट एक्सप्रैशन है उस दिन टर्म्स लिख लिया, उस तो बाद सैकेंड एक्सप्रैशन ये है तो ए वाली टर्म ए वाले दे नीचे लिखेंगे माइनस टू ए दैन प्लस बी दैन नैक्सट सी, सी वाली टर्म की है माइनस सैवन सी। ओके, तो दैन असी इसे ऐड करना है, सो ऐड करेंगे तो की आएगा, सेम असी जो कोफिशेंट है उन्होंने ऐड करेंगे और लिटल नाल सेम रहेगा। सो देखो इतने साढ़े को है फोर माइनस टू, ऐड करेंगे दोनों, फोर प्लस का टू माइनस है तो की आएगा प्लस का टू आ जाएगा, लिटरल सेम आएगा, एंड इतने भी साढ़े को है कोफिशेंट वन है, कोफिशेंट वन है तो की आएगा वन प्लस है थ्री माइनस है तो माइनस का टू आएगा, लिटरल की आ रहा है नाल बी, और इतने लिटरल नाल सी आ रहा है वो तो एज इट इज़ ही आएगा बट नाल कोफिशेंट्स प्लस वन है माइनस सैवन है सो माइनस सिक्स आएगा। सो यदा आंसर क्या आएगा, टू ए माइनस टू बी माइनस सिक्स ए। देखो ए वाला आंसर तो ए वाला आंसर दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब दोनों मैथड नाल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आंसर साढ़े को सेम आएगा। ठीक है, इस तरीके नाल नेक्स्ट असी फिफ्थ पार्ट इसका सॉल्व करते हैं, इस दे विच भी दोनों मैथड अप्लाई करेंगे
ਤਾਂ ਫਸਟ ਅਸੀਂ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਮੈਥਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਟਰਮਸ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ। ਸੋ 2ab ਮਾਈਨਸ 3a² b ਪਲੱਸ 7ab² ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ 4ab² ਪਲੱਸ 5a² b ਮਾਈਨਸ 3ab ਦੈਨ ਪਲੱਸ 7a² b ਮਾਈਨਸ 10ab² ਪਲੱਸ 3ab। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਕ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਹ ab ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲਾਈਕ ਟਰਮਸ ਹੈ। ਸੋ 2ab ਮਾਈਨਸ 3ab ਪਲੱਸ 3ab। ਓਕੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਲਾਈਕ ਟਰਮਸ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ a² b ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਈਨਸ 3a² b ਔਰ a² b ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈ ਪਲੱਸ a² b। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ a² b ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈ ਪਲੱਸ 7a² b। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਟਰਮਸ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਕ ਟਰਮਸ ਹੈ ab² ਵਾਲੀ। ਸੋ ਪਲੱਸ 7ab² ਔਰ ab² ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈ 4ab² ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਮਾਈਨਸ 10ab². ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਟਰਮਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਟਰਮਸ ਹੈ, ਲਿਟਰਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ab². ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੋਫੀਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, 2 - 3 + 3 ਔਰ ਨਾਲ ਲਿਟਰਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ ab। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਪਲੱਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਈਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਏਗਾ ਨਾਲ, ਮਾਈਨਸ 3 ਪਲੱਸ 5 ਪਲੱਸ 7 ਔਰ ਨਾਲ ਜੋ ਲਿਟਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ a² b। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੈਂਟ 7 + 4 ਐਂਡ ਮਾਈਨਸ 10। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਲਿਟਲ ਜੋ ਹੈ ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ab². ਸੋ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, 3 ਪਲੱਸ 'ਤੇ ਹੈ, 3 ਮਾਈਨਸ 'ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 0। ਸੋ ਇਹ ਆਏਗਾ 2ab। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 5, 7 ਦੋਨੋਂ ਪਲੱਸ 'ਤੇ ਹੈ, ਸੋ ਪਲੱਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 12, 12 'ਚੋਂ 3 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 9 ਆ ਜਾਣਗੇ ਪਲੱਸ 'ਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ a² b। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, 7 + 4 = 11, 11 ਪਲੱਸ 'ਤੇ ਹੈ ਔਰ 10 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ, 1 ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਪਲੱਸ ਦਾ। ਸੋ 1 × ab² ਸਿੰਪਲੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ab². ਸੋ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਕੋਲਮ ਮੈਥਡ। ਸੋ ਕੋਲਮ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਟਰਮ ਜੋ ਹੈ ਲਿਖਾਂਗੇ 2ab, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਹੈ ਮਾਈਨਸ 3a² b ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਲੱਸ 7ab² ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 4ab² a² ਮਤਲਬ a ਲਿਟਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੈ 4ab² ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੱਸ 5a² b a² b ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਪਲੱਸ ਦਾ 5a² b। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ab ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ab ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ 3ab। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਥਰਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ a² b ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੈ a² b, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪਲੱਸ 7a² b। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਔਰ ab² ਵਾਲੀ ਜੋ ਟਰਮ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ, ਮਾਈਨਸ 10ab² ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਹੈ 3ab, 3ab ਪਲੱਸ 'ਤੇ ਹੈ ਸੋ ਪਲੱਸ 3ab। ਓਕੇ, ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕੋਂਸਟੈਂਟਸ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੋਫੀਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ 3 + ਦਾ 3 ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 2 ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਪਲੱਸ ਦਾ ਔਰ ਲਿਟਲ ab ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋ ab ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਦੋਨੋਂ ਪਲੱਸ 'ਤੇ ਹੈ, 12 ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 3 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਲੱਸ 'ਤੇ 9 ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਸੋ 9 ਪਲੱਸ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੋ ਲਿਟਲ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ a² b। ਐਂਡ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, 7 + 4 11 ਪਲੱਸ 'ਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ 10 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ 1। ਸੋ 1 ਨੂੰ ਅਗਰ ਨਾਲ ਲਿਟਲ ab² ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋ 1 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ab² ਨਾਲ ਤਾਂ ab² ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਲੱਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ 2ab
प्लस नाइन ए स्क्वेयर बी प्लस ए बी स्क्वेयर। सो देखो जो आंसर ए आ रहा है और आंसर ए आ रहा है, दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।